प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का क्या उद्घाटन, बोले गुलामी का प्रतीक राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया। लखनऊ में एक युवक ने मंदिर में मूर्तियां खंडित की, पकड़े जाने पर आरोपी तौफिक ने अपना नाम शिवा बताया। कॉलेज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, साथ ही साथ कमर्शियल एक्टिविटी पर भी रोक लगाई। यही सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी। महाराष्ट्र में बप्पा की विदाई का सिलसिला शुरू, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर निकले जुलूस। विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ 12 चौके और 6 छक्के लगाए, किसी भी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां आजाद मार्केट में इमारत ढह गई, जिसमें हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। खबर अलीगढ़ से है, जहां होटल लेवाना में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण सख्त हो गया है। इसी को लेकर अलीगढ़ के दोधपुर में एक अधिवक्ता ने 2 मंजिला इमारत का अवैध रूप से निर्माण कराया था। वहीं बीते दिनों क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही कर उसे सील कर दिया है। ये अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया था कि दोधपुर चौराहे पर जो मुख्य मार्केट है उसके प्रथम और द्वितीय तल पर असदुल्ला खालिद नाम के अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया है। उस निर्माण अवैध निर्माण को सील कराने की के लिए मांग की गई थी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की, उसी के तहत ये कार्रवाई आज की गई है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के तिलक नगर मोहल्ले में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है और छोले भटूरे की रेडी लगाने का काम करता था। युवक सुबह काम के लिए भट्टी जलाने के लिए उठा तो उसका पैर बिजली के तार पर पड़ गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भट्टी चालू किए, भट्टी चालू करने के बाद में क्या नाम है, ये इनको करंट लगा, ये भट्टी पे गिर गए। इनकी वाइफ बताने लगी, हम लोग को आवाज़ लगाई तो हम लोग गए तो देखे तो वहाँ पे भट्टी पे पड़े हुए थे, तो उनका क्या नाम है, आग जल रहा था। हम लोग सिलेंडर खोले, उसके बाद में इसका जो क्या नाम है लाइट होता है उसका तार पकड़ के खींचे, फिर उसके बाद में हम इनको यहाँ लेके आए। और यहाँ के क्या नाम है एम्बुलेंस को क्या नाम है हम 10-12 मरतबा फ़ोन लगाए लेकिन हमारी कोई सुविधा नहीं मिल पाई। खबर संभल से है, जहां रात के समय में पिछली दीवार काटकर अज्ञात चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर घर में रखी लगभग 20,000 नकदी और सोने चांदी के गहने जेवरात व नए कपड़े चुरा ले गए, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाना हयात नगर में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। मतलब हम 12 बजे के बाद सोए थे, 12 बजे के बाद हमें पता नहीं चला कि हमारे घर में क्या हुआ। सुबह आँख खुली तो पता चला कोमल हो गया, किसी ने बताया, एक लेडीज आई मतलब इधर को गोबर डालने। अच्छा। उन्होंने बताया। खबर फरीदाबाद से है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने बच्चे बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा। बता दें कि 4.5 लाख में आरोपी नवजात बच्चे को बेचने के लिए ले जा रहे थे, जिसे बदरपुर बॉर्डर पर एक होटल में सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर आरोपियों को दबोचा। सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि एक बदरपुर बॉर्डर पर एक नवजात बच्चे को बेचने की तैयारी हो रही है, जिस पर हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं सतबीर सिंह और ASI हैं लेडी राजेश, इनको दंपत्ति बना के, और जो CWC के मेंबर हैं श्री सुनील यादव जी, उनके
और स्थानीय पुलिस की एक टीम साथ बना के वहाँ ये इस तरह की फील्डिंग की गई और जो बच्चा बेचने आए हुए लोग थे उनको सबको जो है ना हिरासत में लिया गया है। खबर चंदौली से है जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधा में बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ। लाभार्थियों ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर एडीओ पर आरोप लगाया है कि एडीओ ने कागज पर हस्ताक्षर कराने के बाद भी उन्हें पायल और बिछिया नहीं दिया गया, जिसके बाद लोगों ने मामले की जाँच की मांग की है। यही समस्या कि हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है, न पैसा मिला है न छागल, जो भी कुछ मिलता था कुछ भी नहीं मिला है। 10 जून को शादी हुआ था, कुछ भी नहीं वो लोग बोले जी। हमारा ये समस्या है कि हमारा शादी हुआ है 10 जून को, ब्लॉक पर वो पैसा नहीं मिला है ना, वो जो मिलता है पायल सब यही सरकारी जो मिलता है नहीं मिला है जी। एप्लीकेशन दिया है, कुछ नहीं मिला है मुझे भी। सर हमको पैसा मिल गया है, सामान भी मिल गया है, बिछिया पायल बच्चे ही मिलने के लिए। कहाँ शादी की है? ब्लॉक पे। सामूहिक विवाह के तहत? हाँ, सामूहिक विवाह। सोनभद्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को पूर्व विधायक रूबी प्रसाद और रेड क्रॉस सोसाइटी को पॉलीथीन वितरण किया गया, जिसके बाद लोग काफी खुश नजर आए। आपको बता दें कि लोग बरसात से बहुत परेशान हैं। आपको बता दें कि बरसात की वजह से लोगों के घर भी गिर गए हैं, लोग बेबस और बेसहारा हो गए थे, जिसके बाद विधायक ने आवास योजना की लाभ देने की भी बात कही। रूबी प्रसाद ने बांटी राहत सामग्री, क्योंकि लोगों को पॉलीथीन वितरण किया, जिसमें बरसात में लोगों के घर गिर चुके थे। पूर्व विधायक रूबी प्रसाद ने बांटी राहत सामग्री, बरसात की वजह से लोगों के घर गिर चुके थे, जिन्हें पॉलीथीन वितरण किया गया। जौनपुर में सीएम योगी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जौनपुर विकास के साथ आगे बढ़ाए, हमारी सरकार पीएम मोदी का सपना साकार कर रही है, यूपी सरकार ईमानदारी से विकास पर काम कर रही है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।